अंदर गए होंगे अज्जू। सुनिए, डॉक्टर ने क्या कहा? घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड ऐसे बेहोश हो गई थी रास्ते पर। आप घबराइए मत, डॉक्टर चेकअप कर रहे, तब तक ये फॉर्म भर दीजिए, मैं अभी आती हूँ। अगर मैंने अलका का नाम लिख दिया और कल को किसी को इस बारे में कुछ पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। जी आपने फॉर्म भर दिया? जी, मैं अपनी दोस्त से मिल सकती हूँ? जी, रूम नंबर 401 में। ओके। लंबी सांस लीजिए। आप उठ सकते हैं। शीज ओके, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन दवाइयां टाइम पे लेते रहना। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बता दूं दवाइयां कैसे देने की। डॉक्टर शर्मा तुम्हें बुला रहे, वो रूम नंबर 401 में है, जो नई पेशेंट पूजा चतुर्वेदी, उनको चेकअप कर रहे। समझ जाना चाहिए था कि अगर ये पूजा के साथ है तो पूजा जरूर किसी मुसीबत में होगी। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से इसने तकलीफों के सिवा दिया क्या है पूजा को? तू हम लोगों को बताए बगैर पूजा को यहाँ क्यों लेकर आई? तू होती कौन है उसकी जिंदगी का फैसला करने वाली? वो पूजा जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ है पूजा? वो पूजा बोल क्यों नहीं रही हो? हमने पूछा पूजा कहाँ है, बताओ। अरे अरे, आपको पता नहीं ये प्रेग्नेंट है? की जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में घर जाकर बात करेंगे।
तुम दोनों बैठो, मैं तुम लोग को सब बताती हूँ। पूजा, पर अलका, तुझे कुछ भी कहने की या किसी भी बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तू यहाँ बेफिक्र होकर बैठ। अब तुम लोगों को जो भी पूछना है पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। इस कमरे में होने वाली हर बात सिर्फ हमारे दिलों तक रहेगी। अगर गलती से भी वो बात हमारी ज़बान पर आ गई ना, तो तुम लोग मेरा मरा मुंह देखोगे। पूजा, भगवान के लिए आइंदा से ऐसी बात मत करना। तुम आज जो भी हमसे कहोगी उसका जिक्र हम किसी से नहीं करेंगे। हाँ पूजा, हम लोग बस इतना जानना चाहते हैं कि अलका इस हालत में पहुंची कैसे। बताती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि अलका की सच्चाई से आलाप भी वाकिफ है। और मुझे और आलाप को ये बात शादी के एक दिन पहले पता चली थी। उस दिन मैंने अलका और आलाप को गली में बात करते हुए देखा। अलका की आंखों में आंसू देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब मैंने फैसला किया कि मैं अलका से अकेले में बात करूंगी। और जब मैंने बहुत जोर दिया, तब अलका ने बताया कि उससे ये गलती गांव में हुई थी। कुछ दिनों के लिए जब अलका गांव गई थी, तो वो एक समर नाम के आदमी से मिली। मीठी मीठी बातें करके उसने बहुत जल्दी उसे अपना दोस्त बना लिया। वो उससे चिकनी चुपड़ी बातें करता गया और अलका उसकी बातों में आती गई। की आंखों में शादी के सपने सजाता रहा और अलका अपने सपनों को हकीकत मानकर उसके करीब आती गई। और फिर एक दिन उसके झूठे प्यार ने अलका को अपनी मर्यादा की सीमा लांघने पर मजबूर कर दिया। उसकी झूठे प्यार की चमक में अलका उसका गंदा चेहरा नहीं पहचान पाई। और जब तक उसे यह एहसास होता, वो हवा के झोंके की तरह उसकी जिंदगी से जा चुका था। पूरे गांव में उसका कहीं पता नहीं चला। कोई नहीं जानता था कि वो अचानक कहां गायब हो गया। और फिर जब अलका शहर वापस आई, तो एक दिन उसने उस इंसान को यहां देखा। उस वक्त वो उससे मिल नहीं पाई, लेकिन उसका फोन नंबर हासिल कर लिया। और यही वजह है कि अक्सर उसका सारा दिन फोन पर ही बीतता था। अलका अकेले ही अपनी इस तकलीफ से लड़ रही थी। वो हर रोज उसके सामने रोती, गिड़गिड़ाती, उससे मिन्नतें करती, अपनी प्यार की दुहाई देकर उसे अपनी जिंदगी में वापस लौटने को कहती। एक दो बार मिलकर उसने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो इंसान नहीं पिघला। और जब अलका ने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, तो उसने अपना नंबर ही बदल दिया। इन बातों को सोच सोच कर अलका अंदर ही अंदर घुटती रही। लेकिन शादी के एक दिन पहले जब मुझे ये सब पता चला, तो मैंने एक फैसला लिया कि मैं अलका और उसके बच्चे की जिंदगी और भविष्य के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगी। इस वजह से मैंने और आलाप ने ये कदम उठाया, जिसके लिए तुम हमसे नाराज हो। हाँ, हम सब तुमसे नाराज हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा। ये अलका के बच्चे समझते क्या है अपने आप को? कितनी बार मैंने इसे सच जानने की कोशिश की, लेकिन तुझसे सच बताया नहीं गया ना। अलका, तुझे क्या लगता है? हाँ, किसे क्या पूजा, तुम भी तो हम दोनों को पागल ही समझती हो, है ना? हम लोग ये बातें क्या समझेंगे, बस नाम के लिए दोस्त कहती हो। हंसी मजाक का रिश्ता समझ कर रखा है अपना और हमारा।
अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है पूजा? अलका जब अपनी तकलीफ तुमसे बांट सकती है, तुझे हर चीज बता सकती है, तो हम दोनों को अंधेरे में क्यों रखा? हम तो गुस्से में अलका को क्या क्या बोल बैठे। तुमने कितना गंदा बर्ताव किया अलका के साथ। क्या इतना कमजोर समझा था तुमने हमें? नहीं सपना, तुमसे ये बात छुपाने की सिर्फ यही वजह थी कि हम अलका की इस हालत के बारे में घर वालों को नहीं पता चलने देना चाहती थी। देखो, तुम लोग भी जानते हो कि किसी भी माँ बाप के लिए अपनी कुंवारी बेटी का माँ बनना साक्षात मौत के समान होता है। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि अलका की इस गलती की वजह से चाचा चाची को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन अच्छू, हमारे पास ना तो उसकी कोई तस्वीर है, ना कोई फोन नंबर, ना कोई अता पता। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसने अपना सही नाम बताया है या नहीं। ऐसे में हम चार उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? तुम चार नहीं, हम पांच हैं पूजा। हम सब मिलकर उस शख्स को ढूंढेंगे और उसे उसके किए की सजा देंगे। आज के बाद हम यही चाहेंगे कि तुम कभी हमारे सामने ना आओ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे चेहरे में हमें पूजा की वो तकलीफ दिखती है जो तुमने उसे दी है, और पूजा को तकलीफ में देखना हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। I'm sorry, अलाप। आज सुबह हमने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए I'm really sorry। वो सब कुछ सही था। सब जिन हालात में मैंने अलका से शादी की, उससे अनजान कोई भी मुझे वही कहता जो तुमने कहा। सुबह की बात को लेकर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आलाप भैया, भैया प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। मुझे माफ कर दो। ए, टंकी, तुझे नाराजी कब था मैं? प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं ये सारी बातें समझ ही नहीं पाई। अच्छू, बस बस करो सब। अलका से जो हुआ सो हो गया। अब उसकी गलती की वजह से हम में से कोई भी नहीं रहेगा। वो शख्स रहेगा जो अलका का गुनहगार है। ये आंसू हमारी नहीं, उसकी आंखों से बहेंगे। देखो, अगर हम में से कोई कमजोर पड़ गया या किसी ने हार मान ली तो वो हम सब की हार होगी। इसलिए ना कोई डरेगा ना टूटेगा। पूजा, अलका, अलका तो खड़ी क्यों है? तू बैठ ना। पूजा, तुमने जो मेरे लिए किया, तुम्हारा ही कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी? अरे पगली, ये कोई कर्ज नहीं, ये दोस्ती का पर्स है जिसे अदा कर लेने दे मुझे। हाँ, बेशक अलाप आज भी मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर है। तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं अपनी जिंदगी को भी लुटाने को तैयार हूँ।
और मेरे फैसले की आलाप इज्जत करता है।